हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनानी मेडिसिनल सिस्टम के बारे में, जो कि अपने आप में एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है। तो ट्रेडिशनल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, जो परंपरागत पुराने चले आ रहे हैं मेडिसिनल सिस्टम, दवाइयों के तौर तरीके, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो आओ देखें, दो हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा? आयुर्वेदा और सिद्धा। आज हम पढ़ने वाले यूनानी के बारे में। तो देखें क्या है यूनानी के बारे में। अगेन कह रहा हूं, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, मेन हमको कहां फोकस करना है, प्रिंसिपल से फोकस करना है। बट यहां देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, हल्का सा डिस्कशन किया है मैंने यहां पर, ठीक है। तो कह रहा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। ग्रीस में इसका ओरिजिन हुआ, मतलब वहां पे इसका शुरुआत हुई, बाय द ग्रीक फिलोसोफर फिजिशियन। एक ग्रीक फिलोसोफर फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स। कौन नहीं जानता इन महान हस्ती को, है ना? हर कोई जानता है हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। लगभग 377 BC की बात है। हु फ्रीड मेडिसिन फ्रॉम द रियल्म ऑफ सुपरस्टिशन। उन्होंने दवाइयों को क्या किया? अंधविश्वास से दूर किया, ठीक है ना। पहले क्या था, अंधविश्वास होता था, झाड़ फूक टाइप की चीजें थी। तो वहां से क्या किया उन्होंने, चीजों को साइंटिफिकली लेके आए और उससे आजादी दिलाई, एंड गेव इट द स्टेटस ऑफ साइंस। और उन्होंने क्या किया, साइंस का उसको स्टेटस दे दिया। तो बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बातें? तो मेरी समझ से ये बातें क्लियर हैं, और ठीक है आगे चलते हैं। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, द थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने जो पढ़ाया उनके ऊपर बेस्ड है सारा का सारा थ्योरी। किसके ऊपर बेस्ड है? हिप्पोक्रेट्स की टीचिंग के ऊपर, जो उन्होंने सिखाया। अमॉन्ग देम, अच्छा उसमें ही बात करें, उन्होंने सिखा दिया। उनके कुछ बाद में अनुयायी आए, जिनमें बात करें गैलन की, वॉज द वन टू स्टेबलाइज इट्स फाउंडेशन। उन्होंने फिर फाइनली थ्योरेटिकल वर्क हुआ उसके ऊपर, पूरा कहते हैं एक मकान खड़ा कर देना सिस्टम का, तो उन्होंने फाउंड किया, स्टेबलाइज किया, फाउंड किया, ऑन विच अरब फिजिशियन लाइक राजेश एंड एविसेना कंस्ट्रक्टेड एन इम्पोजिंग एडिफिस। मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट की एक शानदार बिल्डिंग। किसकी बिल्डिंग स्टेब्लिश की उन्होंने? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग स्टेब्लिश कर दी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ हिप्पोक्रेट्स की। बात समझ में आ रही है, कोलेट हो रही है, कुछ नाम भी आ गए यहाँ पे साइंटिस्ट के। तो आगे देखें, यूनानी मेडिसिन गॉट इट्स इंपॉर्टेंट अमंग अदर सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इजिप्ट। अदर जो सिस्टम थे ट्रेडिशनल मेडिसिन के, उनके बीच में यूनानी सिस्टम ने अपनी इंपॉर्टेंस स्थापित की। कहाँ कहाँ पर? इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में, पर्सिया में, इंडिया में, चाइना में, एंड अदर मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट कंट्री। जो मिडल ईस्ट और फार ईस्ट कंट्री थे वहां पर इसने अपनी जड़ें जमाई। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज अच्छी होती है, इंसान का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज इंसान अपनाता है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग एलोपैथी से आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, ओके। ये सारे सिस्टम अच्छे हैं, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल सिस्टम सब बढ़िया हैं। अगर आप सही मायने में करना चाहें तो एलोपैथ छोड़ के अगर कोई भी एक सिस्टम को फॉलो करें, सब अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे फायदे होते हैं उनके। इन इंडिया अरब्स इंट्रोड्यूस यूनानी सिस्टम। जो अरब आए थे इंडिया में, उन्होंने यूनानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, एंड सून इट इनरिच्ड इन इंडिया। और जल्दी ये इंडिया में इनरिच हो गई, फैल गई पूरी तरीके से, ओके। ड्यूरिंग द 13th एंड 17th सेंचुरी यूनानी मेडिसिन वॉज फर्मली रूटेड इन इंडिया। लगभग 13 और 17 शताब्दी के बीच में ये काफी अच्छी अपनी जड़ें जमा चुका था। कौन? यूनानी मेडिसिन सिस्टम, बाय अबू बकर बिन अली उस्मान, ठीक है ना। थोड़े से जो नाम है उनमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नाम में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है, जैसे इंग्लिश के नाम होते हैं, है ना, विदेशी साइंटिस्ट लोगों के, वैसे यहाँ पर जो नाम है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई नाम का गलत प्रोनाउंस कर दिया है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है, ओके। कसानी, देन सदराउद्दीन दमशकी बहावुद्दीन कावास खान, ठीक है, थोड़े से नाम टिपिकल होते हैं क्योंकि रूटीन में नहीं है ये नाम हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा लेने में दिक्कत आ रही है। अली गिलानी, अब गिलानी वर्ड बहुत कॉमन है, पढ़ लिया अखबार आराम से। अकबल अरजानी एंड मोहम्मद हाशिम अलवी खान। तो ये कुछ फेमस, एक तरह से कह सकते हैं, लोग थे जिन्होंने यूनानी सिस्टम को कहा फॉर्मली इंडिया में इस्टेब्लिश किया। इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया इसमें, ओके। आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, यूनानी कंसीडर्स द वेरी इंपॉर्टेंट चीज,
यूनानी, जो यूनानी है, कंसिडर द ह्यूमन बॉडी टू बी मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स। वो मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, वो 7 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। हम लोगों ने देखा है कि हर सिस्टम में ह्यूमन बॉडी को कुछ खास तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। तो यहां पर बना हुआ माना गया है, थोड़े से नाम अलग होंगे, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़े से नाम अलग होंगे। एलिमेंट्स को अर्कन कहा गया है, टेम्परामेंट को मिजाज कहा गया है, जिसे मूड भी कहते हैं। ह्यूमर्स जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अगर मेरे पुराने लेक्चर देख रहे हो तो ह्यूमर्स बताने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा फ्लूइड वगैरह जो होता है उसको ह्यूमर कहा जाता है। इसको अक्लत कहा गया है। ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें अंजा कहा गया है। स्पिरिट जो हमारी साउल है उसे अरावा कहा गया है। फैकल्टीज को को कहा गया है। फंक्शंस को जो काम होते हैं उनको हम अफाल कहते हैं, अफल या अफाल, ठीक है ना। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा नाम में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओके। ईच ऑफ विच हैज क्लोज, हर किसी का क्लोज रिलेशन टू स्टेट ऑफ हेल्थ। हर किसी का, जितनी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं, हेल्थ से काफी क्लोज संबंध है, ठीक है। अ फिजिशियन टेक इनटू अकाउंट ऑल दिस फैक्टर, जो फिजिशियन होते हैं, जो लोग मतलब देखते हैं, ठीक करेंगे, ठीक है, वो इस सारे फैक्टर को देख करके जज करेंगे, डायग्नोस करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे ट्रीटमेंट की, क्या प्रॉब्लम है और क्या दवा चलनी चाहिए। क्लियर है? नाउ कम टू द प्रिंसिपल, अब आते हैं प्रिंसिपल पे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी। तो कह रहा था बेसिक थ्योरी ऑफ यूनानी सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द वेल नोन फोर ह्यूमर्स थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेट्स। पूरा पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं फोर ह्यूमर्स पे टिका हुआ है, जिसमें फोर ह्यूमर यहां पे कौन से लिए गए हैं, ब्लड लिया गया है, फ्लेम लिया गया, फ्लेम या बलगम से कहते हैं, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, है ना, पित्त जो होता है हमारे पास हमारी बॉडी में। द ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी द मेड अप ऑफ फॉलोइंग 7 कंपोनेंट। अब वो 7 कंपोनेंट जो ऊपर हमने बोले थे उनको और डिस्क्राइब करें। द ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 एलिमेंट, ईच ऑफ द 4 एलिमेंट हैज इट्स ओन टेम्परामेंट। हर किसी का अपना टेम्परामेंट है। 4 एलिमेंट कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर और वाटर, है ना, 5 होते थे, जो आकाश वाला वो यहां पर नहीं है। एयर का मतलब हॉट एंड मॉइस्ट, अर्थ का कोल्ड एंड ड्राई, फायर का हॉट एंड ड्राई और वाटर का कोल्ड एंड मॉइस्ट, ठीक है ना। वाटर का टेम्परामेंट यानी मिजाज क्या माना गया है? कोल्ड और मॉइस्ट माना गया है। फायर का हॉट और ड्राई माना गया है मिजाज, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 एलिमेंट माने गए हैं, ठीक है, जिससे ह्यूमन बॉडी या हमारा जो, हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट है मिजाज, वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें बड़ी अच्छे से पढ़नी है, एक मिजाज टेम्परामेंट और एक ह्यूमर, ठीक है ना। तो आओ देखें मिजाज क्या बोलते हैं। मिजाज है ना, आपके कैसे मिजाज हैं, हालचाल की बात कर रहे हैं, टेम्परामेंट मूड की बात आती है। द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस 4 बॉडी फ्लूइड, 4 बॉडी फ्लूइड जो ह्यूमर की बात हो रही है। ब्लड उसको डैम कहा गया है, बलगम जिसको फ्लेम कहा गया है, सेफ्रा इसे येलो बाइल कहा गया है, सौदा जिसे ब्लैक बाइल कहा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इनिशिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल 4 एलिमेंट अकरण, ठीक है ना। वो कहा गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारी 4 चीजें पाई जाती हैं। ये 4 चीजें कॉन्स्टिट्यूट बाय इनिशिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल 4 एलिमेंट। हर किसी का अपना अलग अलग प्रोपोर्शन होता है, कोई 2:3:1 में, इस तरीके से अलग अलग प्रोपोर्शन में ये पाए जाते हैं। आगे आते हैं क्या कह रहा है ये, द टेम्परामेंट ऑफ बॉडी, एक मिनट जा रहा, ओके, तो हम लोग कहां थे। तो कह रहा है द टेम्परामेंट ऑफ अ मैन इज कैरेक्टराइज बोथ बाय द फ्लूइड एलिमेंट, यानी कि किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाएगा, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, फ्लूइड एलिमेंट एंड इट्स फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोजिनोमिक इफेक्ट, यानी कि शारीरिक प्रभाव। फ्लूइड एलिमेंट जो हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट है, ब्लड, बलगम वगैरह, उनका शारीरिक और शारीरिक प्रभाव क्या है, शरीर और शरीर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, इनके ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या टेम्परामेंट, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोंडरेंस, प्रधानता ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमर प्रेजेंट इन हिज बॉडी। और टेम्परामेंट कैसा होगा किसी इंसान का, ये डिपेंड करेगा कि प्रधान इन चारों में से, 4 फ्लूइड में से कौन सा फ्लूइड यानी कि ह्यूमर सबसे ज्यादा है किसी इंसान के अंदर, ठीक है ना, उसके ऊपर उसका टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट डिसाइड होगा। क्लियर है? ओके, दस अ मैन मे बी दम्वी यानी कि सेंग्यूनस, बलगमी, फेलगमेटिक, सेफ्रवी यानी कि क्लोरिक और सौदोवी यानी कि मेलाक्लोनिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू द प्रीपोंडरेंस ऑफ डैम, बलगम, सेफ्रा और सौदा रिस्पेक्टिवली। इन 4 कैटेगरी में हम लोग किसी इंसान को
रख सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सी चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा होंगी, सारी जो डोमिनेट करेगी, जो प्रधान रूप से पाई जाएगी, मेन रूप से पाई जाएगी, ना प्रधानता मतलब जो मेन रूप से पाई जाती है। क्लियर है? तो आओ देखें, सैंग्विन टेम्परामेंट मतलब आशावादी टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने, उसको हम दम्भी मिजाज भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे कुछ कैरेक्टर्स हैं। दिस टाइप हैज आल्सो कॉल्ड द मस्कुलर टेम्परामेंट, ठीक है ना, मजबूत। दिस टेम्परामेंट आशावादी है तो मतलब मजबूत होगा। दिस टेम्परामेंट विल बी हॉट एंड वेट इन नेचर, इट बिलोंग्स टू एयर एलिमेंट, है ना, ये एयर एलिमेंट को बिलोंग करता है, हवा को। इंडिविजुअल विल लुक फेयर, जो इंसान होगा वो गोरा होगा, एंड मडी कॉम्प्लेक्शन, हल्का सा विटिस भी हो सकता है, विद फुल मस्कुलर डेवलपमेंट, उसके मसल्स काफी अच्छे होंगे, लार्ज फुल वीन्स, नसें अच्छी खासी दिखती होंगी उसकी, एंड लार्ज पल्स, बीपी स्ट्रांग होगा उसका, ठीक है ना। दे आर कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट होते हैं, विद पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज रेयरली एनेक्सिस, और कभी कभारी चिंतामय होते हैं, एनेक्सिस मतलब चिंता हो जाना। दे आर वेरी प्रोन टू इन्वॉल्व देमसेल्फ विद फिजिकल एक्सेस, ये लोग अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में डाल लेते हैं, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट दे ऑफन सफर फ्रॉम इंजुरी, और फिर क्या होता है, इनको चोट भी लग जाती है ना, कोई भी भारी भरकम काम करेंगे, ये पुराने टाइम के हिसाब से बातें चल रही सारी। इंडिविजुअल विद दम्वियल मिजाज या सैंग्विन टेम्परामेंट आर वेरी एक्टिव, ये काफी एक्टिव होते हैं ना, आशावादी तो एक्टिव तो रहेंगे ही। टेंस, मॉडरेटली हाइपर सेक्सुअल, बहुत ही कम हाइपर सेक्सुअल होते हैं। गुड एपेटाइट, भूख अच्छी होती है। फुल स्ट्रांग पल्स, और इनके जो बीपी होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, यानी कि हमेशा एक्टिव रहने वाला बीपी रहेगा। क्लियर है? बात करते हैं आगे। फ्लैगमेटिक टेम्परामेंट, सुस्त लोग, ठीक है। दिस टाइप हैज आल्सो बीन कॉल्ड द लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ठीक है, आज की भाषा में बात करें। दिस टेम्परामेंट विल कोल्ड एंड वेट, ठंडा होगा और गीला होता है इन नेचर में। इट बिलोंग्स टू वाटर एलिमेंट, है ना, ये किसको बिलोंग करता है, वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। इट डिस्प्लेस फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइट हेयर, बाल हल्के होते हैं। जनरल सॉफ्टनेस एंड लैक्सिटी, लैक्सिटी मतलब सुस्तनेस, शिथिलता, टिश्यूज जो होंगे उसके वो शिथिल होंगे, लूज टाइप से रहेंगे, मतलब है ना, बॉडी लूज लंजड़ पंजड़ टाइप की रहती है। एंड पल्स डेट इज सॉफ्ट एंड वाइट, है ना, पल्स कैसी होगी, बहुत हल्की पल्स रहेगी और वाइट फैलती हुई, मतलब कहेंगे इसको हम लोग, मतलब नॉर्मल पल्स से थोड़ी सी हल्की टाइप का, सुस्त वाली पल्स टाइप का, वो कहने का मतलब है। बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। हीट टेंड टू बी ड्रॉन इनवर्ड, हीट जो होती है वो अंदर की तरफ चलती है। द एक्सटीरियर इज कोल्ड, हैंस पीपल ऑफ दिस टाइप टेंड टू बी कोल्ड, फील द कोल्ड एक्यूटली, है ना, हीट अंदर की तरफ चलती है तो इनको क्या लगता है, ठंडा लगता है। द फ्लेगमेटिक टाइप इज स्लो एंड स्लगिश, सुस्त होते हैं, धीमे होते हैं ये लोग, सुस्त होते हैं, एपैथेटिक होते हैं, एनर्जी नहीं होती है, नॉट रेडिली एक्साइटेड, मतलब ठीक है यार कर लो, सो रहे हैं, है ना, जैसे सुस्त वाले लोग होते हैं। दे इजिली बिकम फ्लैबी एंड ओवरवेट, फ्लैबी हो जाते हैं, फूल जाएंगे, फैल जाएंगे और ओवरवेट हो जाते हैं बहुत इजिली। तो एक कैटेगरी ये आ गई है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, तो थर्ड कैटेगरी बात करें तो ये है चिड़चिड़ा, है ना, कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, डेट इज कॉल्ड क्लोरिक टेम्परामेंट या साफ्रावई मिजाज। दिस टाइप हैज ऑल्सो बीन रेफर्ड एज द नर्वस टेम्परामेंट, है ना, दिमाग नर्वसनेस से रहेगा, चिड़चिड़ा बना जाना। दिस टेम्परामेंट विल बी हॉट एंड ड्राई इन नेचर, बिलोंग्स टू फायर एलिमेंट, चिड़चिड़ा बना ना तुरंत चिड़चिड़ा जाना तो फायर एलिमेंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लिम बॉडी, पतले दुबले लोग होते ज्यादातर, बाय मच नर्वस एक्टिविटी, हाइपर मतलब सोचना बहुत ज्यादा रहेगा। दीज आर पैशनेट पीपल, किसी चीज को लेकर जुनूनी होते हैं। क्विक टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री, जल्दी एक्साइट हो जाएंगे किसी चीज को लेकर, गुस्सा कर जाएंगे। एंड जस्ट एज क्विक टू फॉरगेट देयर एक्साइटमेंट, और जल्दी अपने एक्साइटमेंट भूल भी जाते हैं। दे लिव ऑन देयर नर्व्स, अपने नर्व्स के ऊपर जीते हैं ना, कुछ बोल दिया एकदम गुस्सा आ गया तो फिर उसके हिसाब से एक्ट कर देना। बिकॉज ऑफ दिस दे आर ससेप्टिबल टू ब्रेन एंड नर्वस डिसऑर्डर, इसकी वजह से इन्हें ब्रेन और नर्वस डिसऑर्डर हो जाते हैं। देयर पल्स टेंड टू बी शार्प एंड क्विक, इनकी पल्स कैसी होती है, फटाफट शार्प एंड क्विक होती है, पकड़ में आती है एकदम फटाक से। द स्किन इन दिस टाइप अपीयर टू येलोइश, स्किन हल्की सी येलोइश हो सकती है। एंड दिस टेम्परामेंट ऑकर ऑफन इन दोज विद ब्राउन हेयर, जिनके ब्राउन हेयर होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा पाया गया है। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारा क्या है, एनालिसिस की गई है पुराने टाइम पर, है ना, क्योंकि उस समय टेक्निक इतनी ज्यादा एडवांस तो नहीं थी। तो आगे आते हैं, मेलाक्रोनिक टेम्परामेंट, उदास, हर समय उदास उदास रहने वाले लोग, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ टेम्परामेंट विल बी कोल्ड एंड ड्राई इन नेचर, अर्थ एलिमेंट, इसको किससे बिलोंग किया गया, अर्थ एलिमेंट से बिलोंग किया गया है। यूजली द इंडिविजुअल हैज डार्किश कॉम्प्लेक्शन, हल्का सा डार्क रहेंगे, सांवले थोड़ा और डार्क,
अपियर एमेसिएट, दुर्बल टाइप के दिखाई पड़ते हैं ना, दुर्बल होते हैं, एमेसिएटेड कैसे अपियर होते हैं, दुर्बल, जिनमें दुर्बलता है। द टिश्यू आर हार्ड एंड ड्राई, टिश्यूज इनके हार्ड होते हैं और सूखे हुए होते हैं। देयर पल्स इज नैरो एंड थ्रेडी, पतली बहुत महीन सी पल्स, जब नाड़ी पकड़ोगे, जैसे ये जो नैरो की बात हो रही है ना, जहाँ पकड़ो किसी की धक धक बड़ी तेज समझ में आती है, किसी की बहुत महीन लगती है ना, तो नाड़ी जो हम लोग पल्स पकड़ते हैं वहां से ये आइडिया बोला जाता है पल्स नैरो है कि थ्रेडी है, लार्ज है कि कैसी है। दिस टेम्परामेंट इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ पेसिमिज, ये लगातार स्पेल्स इसको ना वो आते रहेंगे बार बार, कई बार निराशावादी रहेगा ज्यादातर, है ना, कोई चीज होगी निराशावादी, कोई चीज हो जाए तो निराश हो जाएंगे एकदम से। अ ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड विद मच डिफरेंस, चिड़चिड़ा माइंड रहेगा और डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। द इंडिविजुअल्स विद मेलाक्रोनिक टेम्परामेंट आर मोर स्लेंडर एंड लीन, काफी पतले होते हैं, ठीक है ना, और थोड़े से लंबे से रहेंगे। दे डोंट टॉलरेट ड्राई फूड एंड दे लाइक मॉइस्ट थिंग, सूखा जो खाना होता पसंद नहीं होता है, गीली खाने मतलब कहते हैं सूखी सब्जी होती है, तरकारी वाली सब्जी होती है। आल्सो देयर स्किन इज ब्लैकिश इन कलर, स्किन भी कैसी रहती है, ब्लैक कलर की रहेगी। तो ये था टेम्परामेंट की बातें। नाउ अखलत यानी कि ह्यूमर, जो हमारी बॉडी में ह्यूमर फ्लूइड पाया जाता है ना, उसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये कह रहा है ह्यूमर्स आर दोज मॉइस्ट एंड फ्लूइड पार्ट, वो गीला और लिक्विड पार्ट है ऑफ द बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमने पीछे पढ़े थे उनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसमें, फाइनली फ्लूइड में, यानी कि अल्टीमेटली होता क्या है, खाना जो खाते हैं वो किसमें बदल जाता है, फ्लूइड में बदल जाता है। दे सर्व द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिपेयर, ये फंक्शन करते हैं न्यूट्रिशन देने का बॉडी को, ग्रोथ करने का बॉडी को, रिपेयर करते हैं बॉडी को, एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज स्पीसीज, ताकि जो इंडिविजुअल है वो बचा रहे और उसकी प्रजाति भी बची रहे। भाई जब एनर्जी रहेगी, रिपेयर हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तभी तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएगा वो। तो ह्यूमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जो बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, स्टमक, लीवर, उनके मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, नम रखेगा और बॉडी, एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी, और बॉडी को न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। फूड पासिस थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, अब इसी में ह्यूमर्स में लेके आते हैं, फूड की बात करें अगर, तो देखो क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक डाइजेशन, पेट में डाइजेशन होगा खाने का, व्हेन फूड इज टर्न इनटू चाइम, चाइम समझते हो ना, एंड काइल एंड कैरी टू द लिवर बाय मेसेंट्रिक वेन, चाइम जो हम लोग मुंह में जो खाना खाया, खाना खाने से पहले देखा ना, कभी हम लोग खाना खाते मुंह चाहते गोल गोल बन जाता है, कैसे पता गोल गोल बन जाता है, कभी अगर कंकड़ पत्थर या बाल आ गया होगा तुमने उस खाने को बाहर थूका होगा, गोल निकलता है वो, उसको बोलस कहा जाता है। जब ये ईसोफेगस में आता है तो चाइम, और जब पेट में पहुंचा तो काइल, उसके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। टर्न इनटू चाइम एंड काइल एंड कैरी टू द लिवर बाय मेसेंट्रिक वेन, अब लिवर में खाना नहीं ले जाया गया, जब ये खाना एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशन होता है वो पहुंचाया जाता है मेसेंट्रिक वेन के द्वारा लिवर पे। हेपेटिक डाइजेशन इन विच काइल इज कन्वर्टेड इनटू फोर ह्यूमर, अब हेपेटिक मतलब लिवर में जो डाइजेशन होता है उसमें जो काइल होता है ना, अल्टीमेट जो हमारा फूड था जो बदल गया था काइल में, वो कन्वर्ट हो जाता है चार ह्यूमर्स में, ठीक है, चार ह्यूमर हमने ऊपर पढ़े थे, इन वेरिंग क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटीज में, ठीक है। डेट ऑफ ब्लड बीइंग द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा बदलता है वो ब्लड में। दस द ब्लड विच लीव द लिवर इज इंटरमिक्स्ड विद द अदर ह्यूमर, जो लिवर से ब्लड निकलेगा वो अदर ह्यूमर के साथ मिक्स हो जाता है, नेमली फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो ये इनकी थ्योरी है कि इस तरीके से जो खाना है अल्टीमेटली चार ह्यूमर में बदल जाता है, मिलती जुलती कहानी है सारी अगर पीछे वाली पढ़ रखी है तो। द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ डाइजेशन आर नोन एज वेसल्स एंड टिश्यू डाइजेशन, है ना, थर्ड में कहा था वेसल के द्वारा डाइजेस्ट किया जाना, नसों के द्वारा और टिश्यू के द्वारा डाइजेस्ट किया जाना, यानी कि उनको भी तो खाना चाहिए, तो हमने जो न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करेंगे उसी में उसको डाइजेशन में ले लिया गया है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, व्हाइल द ह्यूमर्स आर फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स एवरी टिश्यू एब्जॉर्ब, जब ह्यूमर बह रहा है ब्लड वेसल में, नसों में, तो हर एक टिश्यू एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, ठीक है, बाय इट्स अट्रैक्टिव पावर, उनके पास क्या होती है, अट्रैक्टिव पावर होती है जिससे वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिटेन इट, उसको अपने पास रखेगा न्यूट्रिशन को, बाय इट्स रिटेंटिव पावर, रिटेंटिव पावर मतलब रखने की क्षमता। देन द डाइजेस्टिव पावर इन कॉन्जुगेशन विद एजिमिलेटिव पावर कन्वर्ट इट इनटू टिश्यूज, डाइजेशन करने की क्षमता विद एजिमिलेटिव, उसको इस्तेमाल करने की क्षमता उसके साथ, ये जो दो पावर होती है इससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, ह्यूमर्स, बात समझ में आ रही है,
तो किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट रखा गया है कि जो ह्यूमर्स हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। अब द वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमर इज एक्सिटेड बाय द एक्सपल्सिव पावर। जो एक्सीट होगा, हर एक टिश्यू या सेल अपने अंदर से वेस्ट को बाहर निकालेगा, वो एक्सपल्सिव पावर के अंदर काउंट की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम व्हेन एनी डिस्टर्बेंस ऑकर इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ह्यूमर, ह्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, इट कॉजेज डिजीज, इससे डिजीज बन जाएगी। द ट्रीटमेंट देयरफॉर एम्स एट रिस्टोरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमर। तो ट्रीटमेंट का मुद्दा रहता है कि ह्यूमर अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में आ जाए। क्लियर है? नाउ द फोर्थ टर्म इज आजा, यानी कि ऑर्गन। दीज आर द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। यहां पर हम हर टाइप के ऑर्गन की बात करते हैं। द हेल्थ और डिजीज ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑर्गन अफेक्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द होल बॉडी। कह रहा है कोई भी एक ऑर्गन अफेक्ट कर जाएगा, डिजीज हो जाएगा, तो पूरी बॉडी अफेक्ट होगी और उसको दिक्कत होगी और हमारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट वन इज अरवा, दैट इज स्प्रिट। साउल का जिक्र हर जगह होता है, ठीक है। रूह स्प्रिट इज अ गैसेस सब्सटेंस, इसको यहां क्या माना गया है, गैसेस सब्सटेंस माना गया है। ऑप्टेन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर, कहां से होता है, जो हम हवा ले रहे हैं उससे ऑप्टेन होती है ये। इट हेल्प्स इन ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ये जो हवा हमने ली है ये बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उन सबको करवा रही है। इट बर्न्स द अखलत, लतीफा, अखलत मतलब जो हमारा ह्यूमर है उसको बर्न्स करती है। टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ कोआवा पावर, है ना, जो हमारा ह्यूमर था उसको बर्न करा के हर एक टाइप के पावर को जनरेट कराती है। एंड हरारत ग्रेजिया है नेचुरल हीट ऑफ द बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, और हर एक टाइप की बॉडी में जो हीट होती है उसको भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो जो स्प्रिट है ये बर्न करती है अखलत को और सारी पावर्स और हीट जो होती है बॉडी की वो जनरेट करवाती है। इट इज द सोर्स ऑफ वाइटैलिटी ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वाइटैलिटी मतलब एक तरह से जिंदा रहने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गन्स है वो फुल्ली एक्टिव रहे, काम करते रहे, वो सोर्स कौन है इसका, स्प्रिट है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द लाइफ फोर्स, लाइफ को चलाने वाली ताकत, एंड आर देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इसीलिए इंपॉर्टेंट है डायग्नोस करने के लिए और डिजीज का इलाज करने के लिए। दीज आर द कैरियर ऑफ डिफरेंट पावर विच मेक द होल बॉडी सिस्टम एंड इट्स पार्ट फंक्शनल, ये कैरियर है, ये साधन है अलग अलग पावर की, है ना, जिनकी वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है और उसके पार्ट्स फंक्शनल रहते हैं। ये अलग अलग पावर को कैरी करता है जिनकी बदौलत पूरी बॉडी चल रही है। क्लियर है? नाउ कोआवा फैकल्टीज, ठीक है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पावर, अब जो पावर की हमने बात की है यहां पर पावर को डिस्क्राइब किया गया है, तीन टाइप की पावर है, कोआवा तविया नेचुरल पावर। फिर कह रहा हूं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल पावर इज द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है मेटाबॉलिज्म, सारी रिएक्शंस और रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने की पावर और मेटाबॉलिज करने की पावर को क्या कहा गया है, कोआवा तविया। लिवर इज द सीट ऑफ दिस पावर, कहां पे होता है, सब कुछ लिवर में होता है। एंड द प्रोसेस इज कैरिड ऑन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, और ये प्रोसेस हर एक टिश्यू में हो रही है। मेटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑब्वियसली बात है आज के टाइम पे हमको पता है मेटाबॉलिज्म में मतलब सारे रिएक्शंस। तो ये कह रहा है मेटाबॉलिज्म कंसर्न विद द न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा और ग्रोथ होगी बॉडी की। न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द फूड एंड इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिशन फूड से आता है और पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। व्हाइल ग्रोथ पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ की पावर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की। कोआवा नफसानिया और साइकिक पावर, अब साइकिक मतलब साइको दिमाग हो गया, रेफर टू नर्वस एंड साइकिक पावर। तो नाम थोड़े से लगेंगे तो इसको मैं फिर कह रहा हूं, याद करने का तरीका मैंने वही बताया क्या है, ठीक है, जो अपना बन रहा है प्रोनाउंसिएशन उसी के हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे। इट इज लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्टिव एंड मोटिव पावर, हम किसी चीज को कैसे लेते हैं, है ना, मान लो कोई कुछ बोल रहा है कि अच्छी चीज, हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमारा परसेप्शन कैसा, हम किसी चीज को कैसे लेते हैं समझते हैं। एंड मोटिव पावर, फिर हम कैसे, हमारा मोटिव क्या बनता है काम करने का। परसेप्टिव पावर कॉन्वेज इंप्रेशंस एंड सेंसेशन, क्या है, कह रहा है परसेप्टिव पावर, जो हम लोग जैसा परसीव करेंगे वो कॉन्वे करेगा हमारा इंप्रेशन और सेंसेशन। एंड मोटिव पावर ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स एज ए रिस्पॉन्स टू सेंसेशन,
सेंसेस मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने क्या रिसीव किया, हमारा कोई हमको गालियाँ दे रहा है तो मोशन क्या होगा, हम मारेंगे उसे, कोई अच्छी बात कर रहा है तो हम कहेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी। तो परसेप्शन और हमारा मोशन एक्शन, ठीक है ना, तो वो ये इंप्रेशन और सेंसेशन और बदले में मोशन, हमने क्या मोशन कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आता है, यानी कि साइकिक और नर्वस और साइकिक पावर के अंदर। फिर आता है हमारे पास क्वावा, हैवानिया और वाइटल पावर, है ना, वाइटल मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्लियर है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, एंड इनेबल्स ऑल द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी को उसको इनेबल बात सक्षम बनाता है टू एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ साइकिक पावर। हम लोग जैसे ना, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी भूख पे असर पड़ रहा है, समझ रहे ना बात को, तो ये इनेबल करता है ऑल द ऑर्गन टू एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ साइकिक पावर, साइकिक पावर के इफेक्ट को वो ले सके। दिस पावर इज लोकेटेड इन द हार्ट, ये पावर कहाँ लोकेटेड है, हार्ट में। इट कीप्स लाइफ रनिंग इन द टिश्यू, ये टिश्यूज की लाइफ को बना के रखती है, चला के रखती है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग सात। ओके ओके तो आई थिंक हाँ ठीक है, नाउ द लास्ट वन अफाल यानी कि फंक्शंस। दिस कंपोनेंट रेफर टू द मूवमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स के मूवमेंट और फंक्शंस के बारे में जब बात होगी तो ये है ना, ये कंपोनेंट कहाँ किसको रेफर करता है, जितने भी मोशन और फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन के उनको रेफर करता है, उनको लेके चल रहे हैं ये, उनके बारे में बात करता है। इन केस ऑफ हेल्दी बॉडी, अगर बॉडी हेल्दी है फिट है, द वेरियस ऑर्गन्स आर नॉट ओनली इन प्रॉपर शेप, सारे ऑर्गन प्रॉपर शेप में ही नहीं होंगे बट आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन, वो अपने अपने काम भी प्रॉपर कर रहे होंगे। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू हैव फुल नॉलेज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फुल डिटेल, तो ये क्या करता है, इसीलिए जरूरी है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या काम कर रहे हैं, क्या उनके काम कोई डिजीज होगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें जरूरी है कि इसकी सारी नॉलेज हो, जिससे कि हमें पूरी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में पता चल सके। हेल्थ, हेल्थ रेफर टू द स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हेन ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट नॉर्मली, तो कह रहे हैं हेल्थ किसे कहेंगे, हेल्थ वो कंडीशन है जब सारे फंक्शन नॉर्मली हो रहे हो, डिजीज इसका अपोजिट जब किसी फंक्शन में कोई गड़बड़ी आ गई हो, तो हेल्थ और डिजीज को भी इन्होंने क्या कहा, इसके हिसाब से डिफाइन कर दिया है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास यूनानी मेडिसिनल सिस्टम के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में कुछ बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा मेन क्या रहेगा, पूरा आएगा तो पूरा तो लिखना ही है, अदरवाइज क्या है यहाँ पर हमारे पास एक ह्यूमर और एक क्या था टेम्परामेंट, इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे और क्या करोगे रिवाइज करोगे। और फिर से कह रहा हूँ मैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक रहेगा उसका, तो सिर्फ एक काम करते रहें, पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें। ऑल द बेस्ट।